मैं बात करने दे सर, आज समय आता आपकी तरफ, आपका पूरा हो जाना है। ठीक है, ये शॉप भी वो कह रही है पूरा हो जाना है। रूफ क्लासा साहब पूरा हो जाना है, इलेक्शन हो जाने, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन होना है पीटीआई का। जी आपकी ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं। आप निशान नहीं इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पे लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता। 5 साल गुजर गए, खबर मानिका की आंखों में मच्छी पड़ी हुई थी, या उसका खामत घाट सर, या वो उन्होंने चुप रहना चाहिए। ठीक बात, ठीक बात है, नहीं ये मजाक है। और आप टाइमिंग देखें ना, आप देखिए टाइम, ये कभी उस वक्त बात कही होती ना तो बिल्कुल मैं भी वेलकम कर, पर इमरान खान साहब का कुछ कुछ भी नहीं कर सकते, वो मामला खत्म हो गया, पार्टी चेयरमैन है, इलेक्शन भी तो चल हुआ है ना सर। खान साहब ने, उनकी पार्टी ने मुसलसल वो तमाम जो इदारे थे उनके साथ लड़ाई ली है। आप सर मेयर एलिगेशन के ऊपर जिस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में होते हैं पूरी दुनिया में बता दे, इस तरह मेयर एलिगेशन के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हो। हमने उसूल डिस्कस किया है, हमने इल्जाम डिस्कस नहीं किया। पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो आनी चाहिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में अमरियत चल रही है। अभी फिलहाल क्या है कि पिछले 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, आज बैठकर ये सारा बहाना बनाकर और ये बेस बनाकर एक लीडरशिप को मिलकर दिल खोल के जो है वो जितना दिल चाहता है सर, ये इल्जाम हर पार्टी ने लगाया, ये पहली पार्टी नहीं आप जो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया क्या इन पर, आप बता दे रही है इनको कि तोहमत, और याद रखिएगा इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त हम बताएंगे, आप हमारी पूरी कार्रवाई सवाल से मौजूद है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज लाइव शो में इधर उधर बटने वाली फिरदौस आशिक वान ने जब इमरान खान और बुशरा बीबी के ताल्लुकात के ऊपर डिस्कशन की और साथ इंट्रा पार्टी पर तनकीद करना शुरू की तो पीटीआई के सीनियर वकील अजहर सदीक ने फिर दोस्त आशिक अवान की ऐसी चित्रोल की कि मज़ा आ गया। आइए पहले इनकी गुफ्तगू सुनते हैं, फिर इस पर बात करते हैं। हमारा ना इशू क्या है, हमारे अपने अपने गॉड हैं, अपने अपने भगवान हैं, देवता हैं, अपने अपने देवता हैं, और हम उनकी पूजा से बाहर नहीं निकलना चाहते। क्या ये अल्फाज मुझे इस्तेमाल करने चाहिए, और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी फिल्म का हीरो हारना नहीं चाहिए, मेरी फिल्म का हीरो हर सूरत जीतना चाहिए, चाहे उसने कितने कत्ल किए हों, चाहे उसने 4 हीरोइनें उठा ली हो, कोई मसला नहीं है। तो हम इसी तरह शायद सोचते हैं, इसी तरह देखते हैं, अभी जज्बात ज्यादा गालिब हैं उसूल की बनिस्बत हमेशा से। इस खत्ते का प्रॉब्लम रहा है हमारी, एक शख्सियत परस्ती जो है आज की थोड़ी है। जो बंदा उस वक्त हाथी पे चढ़ा हुआ आ रहा है, जिसके पास तलवार है, मजबूत है, अमीर है, हैंडसम है, आजकल पजेरों पे चढ़ा हुआ है, 4-5 गार्ड हैं, दरवाजा खोल रहा है, आपका प्रोटोकॉल है, हटो बच्चों है, आपके पास पैसा है, तो आप क्या मरूफ हो, मरूफ जो है जी अदर साहब है हमारे यहां। पहले तो बात है कि ये सारी जो बातें ना, जब वजीर आजम थे ना आप, ये सारा उस वक्त होता तो मैं आपको बहुत वेलकम करता, आप सारे लीडर्स को बात कर रहे होते तो मुझे बड़ी खुशी होती। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के हवाले से क्या क्या स्कैंडल आए अब आज तक, यानी मैं तो हैरान हूँ, देवता की बात कर रहे हैं आप लोगों ने खुद प्रोटेक्शन दिया उनको, कोई एक बात बता दे इन लीडर्स के बारे में। एक ना एक जुमला ऐसा छोड़ देते हैं, इसके बाद इंटरप्शन का दिल करता है, लेकिन मैं आपको पूरा टाइम दे रहा हूँ, वरना आपने फुल टॉस दी है मुझे पूरी, लेकिन मैं कह रहा हूँ कोई बात नहीं आप बात कर ले भाई। देखिए मैं बताऊँ आपको, बड़ा मुश्किल काम है कॉल ऑफ फेल में तादाद होना और मुनाफिकत, बड़ा मुश्किल काम है, इंसान को सच बोलना चाहिए। मैं बेसिक प्रिंसिपल आपके सारे सेट करो पूरी दुनिया के अंदर, आप सिर्फ मेयर एलिगेशन के ऊपर जिस तरह के प्रोग्राम पाकिस्तान में होते हैं पूरी दुनिया में बता दे, इस तरह मेयर एलिगेशन के ऊपर इस तरह के प्रोग्राम हो रहे हो। सर हमने उसूल डिस्कस किया है, हमने इल्जाम डिस्कस नहीं किया, पहली बात तो ये आप ध्यान में रखें, हमने उसूल डिस्कस किया है, और कई ऐसे प्रोग्राम थे जो होते हैं, मैं आपको बता रहा हूं मैंने कभी ऐसे प्रोग्राम्स नहीं किए, लेकिन अब उसूल इसलिए डिस्कस कर रहे हैं कि जब मामला अदालतों में इस लेवल पे जाता है तो फिर आप उसको मुकम्मल तौर पर भी इग्नोर नहीं कर सकते। एक सही सर, ऐसा नहीं हो सकता ना अदर साहब, आप लोग वन साइडेड इल्जाम लगाते हैं और उसके बाद बंदा खामोशी से बैठा हुआ सुनता रहे, वो सुन सकता होगा जो कमजोर होगा किसी मामले में। मैं आपसे अर्ज कर दूं, मियां शरीफ फैमिली की आप बात कर रहे हैं, ये पाकिस्तान का मीडिया डिस्कस करता रहा है ये चीजें, ये पहली दफा नहीं है, यहाँ किताबों में भी जिक्र हुआ है, तो उस पर टॉक शोज होते रहे। आप जरदारी साहब की बात कर रहे हैं, उनके दौर में उनके दौर के बाद ये चीजें डिस्कस होती रही है। सवाल ये नहीं है सर, सवाल ये है कि क्या उसूल को आपने उस वक्त अडॉप्ट करके ये कहा था, ये अखलाकी तौर पे गलत बात है? अभी तो शहादत हो रही है, जब फैसला हो जाएगा बिल्कुल कीजिएगा, फिर बात तो कुछ और होगी। अभी सिर्फ अभी फिलहाल क्या है कि पिछले 5 साल में तो कुछ हुआ नहीं, आज बैठकर ये सारा बहाना बनाकर और ये बेस बनाकर एक लीडरशिप को मिलाइन करें, मैं तो नहीं कह रहा ना, आप लोगों की लोग बात मानने के लिए तैयार नहीं है। क्यों तैयार नहीं है, उसकी वजह यह है कि पिछले 1.5 साल से जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब हो रहा है आपके सामने है, जो लोग जो हम बातें कर रहे हैं ना नवाज शरीफ के दौर में और इस दौर में जमीन आसमान का फर्क है, जो इस वक्त कैद हो बंद की सोबतें हो रही है, जिस तरह आपको आजादी नहीं है, मीडिया कैद है, हर चीज अगर सामने उठाकर देखे तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इस वक्त मुल्क कैसे हालात में चल रहा है, मसाइल क्या है, परेशानियां क्या है। अदर साहब मुझे लगता है या तो आप पाकिस्तान में नए हैं या हम नए, मैं तो खामोश हो जाता हूँ। क्लासरा साहब से मैं पूछता हूँ ये सवाल, गुजारिश सुन ले आपसे सर, देखिए ये नहीं हो सकता कि आप लोग रोज इल्जाम लगाए और बंदा आप कह रहे हैं, मैं मानता हूं मेरी बात सुन ले ना सर, नहीं ये नहीं, ये नहीं, वन साइडेड बहुत, हमने बहुत खामोशी से शोज किए, प्रॉब्लम ये पाकिस्तान का मीडिया ये इल्जामात सहता आ रहा है। पीपी ये पूछें कि अगर पीपी कहती थी कि आप नो तो आप कैसे बोल रहे हैं, एग्जैक्टली कैसे दिल खोल के जो है वो जितना दिल चाहता सर, ये इल्जाम हर पार्टी ने लगाया, ये पहली पार्टी नहीं आप जो इल्जाम लगा रहे हैं पाकिस्तान का मीडिया क्या है, इन पर ये बैठे हुए इन पर हजारों इल्जाम लगते रहे कि आप फलानी पार्टी से पैसे लेके हम पे तंकीद कर रहे हैं, हम पे लगते हैं मुझे बात तो काट दे, जवाब दे रहे सर, इल्जाम ना लगाएं सर, नहीं मैं इल्जाम कोई नहीं लगा रहा, मैं सिर्फ बात कर लूट कर रहा हूँ, मैं आपके साथ हूँ बिल्कुल आपके साथ हूँ, लेकिन आप पहले जस्टिफाई करें
नॉर्मल हालात में सारा कुछ हो रहा था, मैं आपके साथ होता, मैं मान रहा होता कि यार नहीं। लेकिन अभी फिलहाल देखिए कुरान मजीद में अभी तोहमत लगाने की सजा क्या है, जरा समझना हमें सोसाइटल वैल्यूज। यानी यहाँ तो लोग आप 62 वाले मानने के लिए तैयार नहीं थे कि साधक और अमीन हवाले से, वो नवाज शरीफ का जो सजा दी आप सब लोगों ने कहा, आप आगे कह रहे हैं नहीं गलत सजा हुई, वो भाई 62 वाले है ही क्या, साधक और अमीन होना है, ये कोर्ट ने डिसाइड कर दिया। 35 पंक्चर का इल्जाम आपने लगाया नजम सेठी साहब के ऊपर, वो गलत साबित हुआ, आपने माफी मांगी? देखिए कोर्ट ने डिसाइड कर दिया ना, क्या वो भुगतान नहीं है आप लोगों के नजदीक? भुगतान वही है जो आप लोगों पर लगेगा। कोर्ट डिसाइड कर दिया, ये भी डिसाइड हो रहा है कोर्ट ने, सारा कहा कि वो सियासी बयान था, फिर आपने कहा मुझे पता नहीं ब्रिगेडियर सैमसन ने कहा, मुझे इन्होंने कहा, मुझे सर नहीं करे सर, इतनी मोरालिटी इतनी ना बड़ा पाकी है दामन की, मैं यही तो कह रहा हूँ मत करे ना, अब ना ठीक है आगे बढ़ते हैं, ठीक है अब ठीक है सर, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि मोरालिटी पे हम सब मोर और लेस एक जैसे हैं, हम यही बात कर रहे हैं, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि अब जो कानूनी शेप बनेगा किसी बात का उसको हम कैसे देखेंगे, क्योंकि हमने ये भी तो देखना है कि हमारे मुल्क में जो हमें लीड करें लोग वो तमाम के तमाम एक जैसे ना हो, वो हम फर्क ढूंढने निकले थे, हमें फर्क खत्म हो गया हमारे बीच, अब पता ही नहीं है इनको कि तोहमत, और याद रखिएगा इस पे आगे क्या कार्रवाई होगी आने वाला वक्त हम बताएंगे, आप हमारी पूरी कार्रवाई इस हवाले से मौजूद है, करते रहे जितना शौक पूरा इन्होंने करना है। 5 साल गुजर गए, खबर मानिका की आंखों में मर्ची पड़ी हुई थी, या उसका खामत घाटा या वो बुलाना चाहता, ठीक बात है, नहीं ये मजाक है। और आप टाइमिंग देखे ना, आप देखिए टाइम, ये कभी उस वक्त बात कही होती ना तो बिल्कुल मैं भी वेलकम करता। इंट्रा पार्टी आप लोगों का चैलेंज हो गया तो फिर ये बल्ले का क्या बनेगा? आदिल देखिए हमें कोई परेशानी की जरूरत इसलिए नहीं है कि इलेक्शन कमीशन का जो रोल है हम पहले दिन से क्रिटिसाइज करते आए हैं, ये आप इसको आज देख रहे हैं, हम इसको देख रहे हैं जब तोशा खाना का केस गैर कानूनी तौर पर स्पीकर ने गैर कानूनी रेफरेंस नहीं, 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 हम इसको इससे भी पीछे से देख रहे हैं जब प्रोहिबिटेड फंडिंग फॉरेन फंडिंग का केस जो है वो जी, तो ये ऐसा नहीं है। अब इलेक्शन कमीशन का भी प्रॉब्लम ये है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी की गर्दन जाती है, दूसरा करे तो दूसरे की जाती है, और तमाम इंस्टीट्यूशंस का हमारे यही हाल हो चुका है कि वो एक फैसला करे तो एक पार्टी एहतजाज धरने और दूसरा फैसला करे तो दूसरे करते हैं, ये हमारा मैं और भी पीछे से देख रहा हूँ इसको जब फॉरन फंडिंग का मसला चले नहीं, लेकिन अभी तक इलेक्शन कमीशन ने किसी कौन सी सियासी जमात के खिलाफ कोई एक्शन लिया है, जरा हम वो भी देखना चाहेंगे। सवाल तो बड़ा वाजे है, प्रॉपर्टी फंडिंग से लेकर देखा ना सामने है। अब इसमें अगर देखा जाए जो कि मैं देख रहा हूँ इसको लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच के सामने मामला पेंडिंग है, इलेक्शन कमीशन ना कोर्ट था ना ट्रिब्यूनल था, इसने इमरान खान साहब को उस वक्त नाहल कर दिया था, और उस वक्त पार्टी चेयरमैन से हटाने के लिए 2022 की बात कर रहा हूँ, लाहौर हाईकोर्ट में 5 रुकनी बेंच बैठा हुआ है, इस्लामाबाद हाईकोर्ट में यह मामला पहले शुरू में चैलेंज हुआ तो उस वक्त पार्टी लीडरशिप के हवाले से मामला नहीं था, यहाँ वापस लेने की दरखास्त दी हुई है चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब से, वो आपको पता फैसले तो महफूज होते हैं, वो दरखास्त वापस हमें आज तक नहीं दी गई, और लाहौर हाईकोर्ट 5 मेंबर बेंच बैठा हुआ, तोशा खाना की आज तक तो मामला बड़ा क्लियर है, मैं नहीं समझा इसमें। अब दूसरी जहां तक बात है, हाँ ये उसका आफ्टर इफेक्ट्स है, यानी अगर लाहौर हाई कोर्ट इलेक्शन कमीशन का वो फैसला ही कलादम करार दे देती है कि जो सेक्शन 137 के तहत का एक्शन लिया था उसके ऊपर जितना सुपरस्ट्रक्चर है वो खत्म हो जाएगा, लेकिन वो होने नहीं दिया जा रहा। अब अगला जो मामला है वो हुआ है तोशा खाना में सजा हुई है, सेक्शन 167-174 के तहत 3 साल की सजा हुई है, सेक्शन 232 के तहत जो है वो नाहली लिखी हुई है। अब वो नाहली के हवाले से नया मामला चल रहा था इलेक्शन कमीशन के सामने, चूंकि मेंबर तो है नहीं इस वक्त, अब नंबर वन अब तो सजा हो चुकी हुई है, अब तो कोई किसी भी अपना सीट के मेंबर वो है नहीं, मैं ये सिर्फ कह रहा हूँ कि अब इस वक्त कोई इलेक्शन कमीशन पार्टी चेयरमैन के तौर पर इमरान खान साहब का कुछ भी नहीं कर सकते, वो मामला खत्म हो गया, पार्टी चेयरमैन इलेक्शन भी तो नया जब आएगा नया फिर देख लेंगे, वो मामला खत्म हो गया, देख लेंगे। डॉक्टर साहब आपके ख्याल में क्या होगा, आपको क्या लगता है अगर इस बेस पर कोई फैसला होता है वो दुरुस्त होगा, उसकी बुनियाद क्या होगी बेसिकली, क्योंकि इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे भी तो सवाल उठा हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आदिल सबसे पहले तो आपका शुक्रिया, देखें अफसोसनाक बात है कि कैसी जमात जो जिसका मुंह ना थकता हो मेरिट मेरिट कहते हुए और लोगों को गुमराह करते हुए कि भई पाकिस्तान में हकीकी जमहूरियत जो आनी चाहिए, पाकिस्तान में डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में आमरियत चल रही है, फैसले सही नहीं हो रहे, अदारे जो हैं वो मजबूत नहीं हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने ये जिम्मेदारी उठाई थी कि हमने ये सब कुछ ठीक करना है। अब वो कैसे हो गया कि सदीक साहब मेरे अजहर सदीक साहब भाई हैं, इनके पास इस सवाल का कोई जवाब है कि जिस जमात के अंदर लोगों ने 27 साल से जब से ये जमात बनी और टिल टुडे तक जो स्ट्रगल कर रहे हैं, एफर्ट्स कर रहे हैं, उन लोगों को छोड़ के 1.5 साल से भी कम अरसा किसी शख्स का उस जमात के अंदर बसेरा हुआ है, तो उसे चेयरमैन पार्टी नामजद कर दिया गया, इज दिस द मेरिट?
दुख की बात यह है आदिल कि आज भी वो गुमराह करने का जो सिलसिला है, झूठ बोलने का जो इनका वतीरा, वो आज भी जारी और सारी है। कुछ लोग इनके पाकिस्तान में बैठ के अवाम की आंखों में मिर्चें डाल रहे हैं, और कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान से बाहर बैठ के पाकिस्तान में आके सच बोलने की उनकी जरूरत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान से बाहर बैठ के रऊफ चाचा साहब के पास मुझे जाना है, अभी इस पर भी डिस्कशन करनी है कि जो बाहर बैठ के कर रहे हैं उन्हें भेजा किसने है, क्यों भेजा है, कैसे भेजा है। रही बात आदिल, एक बात मेरी सुनो, रही बात इलेक्शन का शौक पूरा होने की, तो सर मैं बात करने दे, सर आजम साहब मैं आता हूं आपकी तरफ, आपका पूरा हो जाना है, ठीक है, ये शौक भी वो कह रही है पूरा हो जाना है, रऊफ चाचा साहब पूरा हो जाना है, इलेक्शन हो जाना है, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, पॉइंट टेकन है पीटीआई का जी, नुक्ता है, ख्वाहिश भी पूरी हो जानी है कि इलेक्शन कराएं, ठीक है, निशान इबरत बनेंगे इलेक्शन में, क्योंकि इलेक्शन ग्राउंड रियलिटीज पर लड़ा जाता है, सोशल मीडिया पे नहीं लड़ा जाता, पॉपुलर फैन क्लब होते हैं जी डॉक्टर साहब, सेलिब्रिटीज पॉपुलैरिटी में आगे होती हैं, इलेक्शन होने वाला है, मैं तो खुद काफी दिनों से ये बात कह रहा हूं, लेकिन कोई हैसियत नहीं होती। अच्छा मैं जरा आप दोनों से रिक्वेस्ट करूंगा, मैं जरा रऊफ क्लासरा साहब की तरफ, रऊफ साहब बहुत डॉक्टर साहब ने बड़ी जबरदस्त बात की, देखें मैं तो हैरान हूं, मेरे पास पीटीआई के जितने गेस्ट आ रहे हैं, अब मैं उनसे आर्गुमेंट रखता हूं सामने, वो उनकी प्ली ये नहीं है मैरिट सेरिट सब उड़ गया है, वो कहते हैं पीपी भी ऐसा करती है, नून भी ऐसा करती है, ये ऐसे होता है, वो आपने उनसे पूछा, आप उनके पास गए, तो वो तो सब उड़ गया, इस इलेक्शन यहां तक पहुंचने तक पार्टी वहां पहुंच चुकी है कि पार्टी में पिछली पार्टियों से कोई ज्यादा फर्क नहीं, अगर आप चाहें तो हम दोनों इस पर बहस भी कर सकते हैं, मेरे नजदीक अभी दोनों तीनों पार्टियां एक जैसी हो चुकी हैं, फर्क नहीं बचा, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो मुख्तलिफ दरख्वास्तें आ रही हैं पीटीआई के अरकान की जानिब से, आपको क्या लगता है कि ये कोई डेंजरस बात है, इंट्रा पार्टी इलेक्शन पे कोई मसला बन सकता है इनके लिए या नहीं, ये बच गए? मेरा ख्याल ये है कि इस वक्त वो जितने भी इंस्टीट्यूशन हैं, वन बाई वन इन द हीट ऑफ इमोशंस कहें, वट एवर जो भी कहें, या स्ट्रेटजी कहें, पॉलिसी कहें, उनके इंटेंशनल मिस्टेक्स हैं या अन इंटेंशनल हैं, खान साहब ने या उनकी पार्टी ने मुसलसल वो तमाम जो इदारे थे उनके साथ लड़ाई ली है, सबके साथ लिया, और इस बात मेरे नॉन पोजीशन में आप नहीं बात कह रहा कि खान साहब का यह कहना मैं कल ही काफ़ी हूँ, कि मैं सबसे हम लड़ लेंगे, अदालतों से भी लड़ लेंगे, पार्लियामेंट से भी, मीडिया से भी, इस्टेब्लिशमेंट से भी, इलेक्शन कमीशन से भी, वो तमाम पावरफुल हल्के जो इस मुल्क में इलेक्शन कराते, आइडियल सिचुएशन तो कोई नहीं थी, या तो खान साहब और उनकी पार्टी जो है 2018 के इलेक्शन में एक हाई मॉरल ग्राउंड पर आते ना, तो फिर आज वो बात कर सकते थे कि जब हमने भी हाई मॉरल ग्राउंड पर इलेक्शन लड़े थे, अब हमें भी हाई मॉरल ग्राउंड पर इनको भी लड़ना चाहिए, उस वक्त क्योंकि उनकी पोजीशन कंप्रोमाइज थी, अब इनकी पोजीशन कंप्रोमाइज हुई है। यहाँ पे सदीक ने बिल्कुल ठीक कहा कि जब इमरान खान के खिलाफ इनको किसी किस्म का कोई करप्शन का केस नहीं मिल रहा, तो ये अब इतने गिर चुके हैं कि घरेलू जिंदगी के ऊपर कीचड़ उछाल कर इमरान खान को किसी ना किसी तरह डिसक्वालीफाई करना चाहते हैं, जबकि अजहर सदीक ने कहा कि ये इनकी भूल है कि ये इमरान खान को इलेक्शन से आउट कर लेंगे। नाज़रीन आपका क्या ख्याल है, इमरान खान आइंदा आने वाले इलेक्शन लड़ सकेंगे या नहीं? आप अपनी राय से मैं ज़रूर आगाह करें। नेक्स्ट वीडियो तक मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।